हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बुल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज के इस शो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप जीरोधा का आई टैप यूज़ करते हैं और जब भी आप जीरोधा का आई टैप में लॉगिन करते हैं तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है। उसके बाद आपको पिन नंबर डालना पड़ता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ जीरोधा का आई टैप ओपन है और यहाँ आप अपना एंटर पिन पूछ रहा है कि एंटर पिन डालिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप पिन नंबर की जगह आप अपना फिंगरप्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं और वो यूज कैसे करना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों से कहना चाहूँगा, जो इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि उन्हें जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उन्हें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको लॉगिन कर लेना है, इसमें आपको एंटर पिन डालना है। एंटर पिन डालने के बाद आप वॉच स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ वॉच स्क्रीन मार्केट वॉच में पहुंच चुके हैं। वॉच में आपको एक कॉर्नर पर जो नज़र आ रहा है यूज़र नेम कॉर्नर पर, यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अकाउंट सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। अकाउंट सेक्शन पे पहुंचने के बाद यहाँ आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ आपको सेटिंग दिख रहा है, ये आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। ये सेटिंग वाली स्क्रीन खुली हुई है, यहाँ आप देख पा रहे हैं आपको ऊपर थीम का ऑप्शन आ रहा है। थीम में दो टाइप से दे रखा है, एक लाइट एक डार्क। आप अभी ये लाइट वाली थीम यूज हो रखी है और ये डार्क वाली है। हम डार्क वाली भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप किसी बंद कमरे में या अंधेरे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल होगी ताकि आपकी आंखों पर ज़्यादा रोशनी ना पड़े। चलो हम देखते हैं डार्क थीम कैसी होती है। डार्क थीम में आपका इंटरफेस इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे लाइट थीम पे ही कर देता हूँ। ये मैंने लाइट थीम पे कर दिया है। ये नीचे आपको फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन आ रहा है। अभी जैसे पूरी ये फुल स्क्रीन में कर देता हूँ, पूरी जितने मेरे मोबाइल की स्क्रीन है ये फुल स्क्रीन कवर कर लेगा। देखो दोस्तों, आपको दिख रहा है फुल स्क्रीन पे हो गया है। इसमें ये भी लिखा मे नॉट वर्क ऑन सर्टेन डिवाइस, मतलब कुछ मोबाइल्स में काम नहीं करता ऑप्शन। और ये नीचे आ रहा अदर ऑर्डर नोटिफिकेशन, अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन में ऊपर की तरफ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी आप ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है प्लेस होता है। दोस्तों, फिंगरप्रिंट का ये आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ आप ये भी अगर आपको इसे इनेबल करना है तो इसे आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है। जैसे मैं कर देता हूँ, ये देखिए, जैसे मैंने इसे करा इनेबल तो ये पूछ रहा है लॉगिन टू कार्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो आपको यहाँ टच सेंसर पे क्लिक करेंगे, जो आप कोई भी फिंगर यूज़ करना चाहते हैं, आपका जो जहाँ भी सेंसर है, कुछ फ़ोन में पीछे आ रहा है मोस्टली में और किसी में आगे भी होता है, तो आप अपनी फिंगर को वहाँ टच करना है। जैसे आप टच करते हैं तो इस पर लिख के आ रहा था फिंगरप्रिंट ऑथराइज। ठीक है दोस्तों, अब मेरा ये जो ऑप्शन इधर की तरफ हो चुका है, ये अब फिंगरप्रिंट से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद सीधे हम लॉगिन पे पहुँचते हैं, देखते हैं कैसा ऑप्शन आता है। तो डाल लिया है और अब ये पिन नंबर वाला जो ऑप्शन आता था उसकी जगह भी पूछ रहा है टच योर फिंगर ऑन सेंसर टू लॉगिन। अगर आपको लॉगिन करना है तो आप फिंगर को टच कर सकते हैं और आप सीधे वॉच मार्केट वॉच वाली स्क्रीन में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आप इसका ज़्यादातर यूज़ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ट्रेडिंग सेशन के दौरान, कभी कभी क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है और आपसे पिन नंबर बार बार पिन नंबर पूछता है। तो आपको पिन नंबर डालने में जितना भी टाइम लगता है, एटलीस्ट थोड़ा टाइम लगता है, पर आप फिंगरप्रिंट का यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप इजीली उसे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो मैं लॉगिन। अगर आपको ये फिंगरप्रिंट हटाना है और आपको पिन नंबर ही रखना है तो आपको कैसे हटाना है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
यहाँ आपको अपनी फिंगरप्रिंट यूज़ करनी है, और यूज़ करते ही आप मार्केट वॉच में चले जाएंगे। मार्केट वॉच के बाद आपको कॉर्नर पर लॉगिन पे क्लिक करके सेटिंग में जाना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ मैं लॉगिन कर लेता हूँ फिंगरप्रिंट का यूज़ करके। दोस्तों हम दोबारा सेटिंग में आ गए हैं। ये देखिए ये फिंगरप्रिंट इनेबल है, तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल करने के लिए मुझे इस पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ लेफ्ट की तरफ, तो ये दोबारा से पूछता है लॉगिन टू कार्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। इट मीन्स अगर आपको ये ऑथेंटिकेशन हटाना है तो आपको दोबारा से फिंगर टच करना होगा वेरीफाई के लिए। जैसे टच अपनी फिंगर को टच करते हैं टच सेंसर पर, तो ये रिकॉग्नाइज कर लेता है और आपका ये फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन वापस की पहले की तरह हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये आपका वापस वहीं आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब मेरा वो फिंगरप्रिंट हट गया है और जो मेरा पिन नंबर था वो ही रहेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके काम आए। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।